राजनगरी में कल होने जा रहा है रैपर्स दान एकेडमी द्वारा स्लम स्टार टैलेंट हंट सीजन 2 का आयोजन। गरीब बच्चे मातृ वैश्य भवन में अपने अंदर की छुपी प्रतिभा को दिखाएंगे। शहर का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है, ये 70 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार को ताज नगरी आगरा में रैपर्स डांस एकेडमी द्वारा स्लम स्टार टैलेंट हंट सीजन 2 का आयोजन हो रहा है, जिसमें स्लम कलाकारों को मंच पर सम्मान और डांस करने का मौका मिलेगा। ये आयोजन पचकुया स्थित मातृ वैश्य भवन में होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि दिल्ली कमिश्नर अमरपाल सिंह लोधी, IRS ज्वाइंट कमिश्नर हैं, साथ ही शहर की अन्य समाज सेवी भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। डांस कोरियोग्राफर और संस्था अध्यक्ष देव राजपूत ने बताया कि इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य हमारा ये है कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों को एक अच्छा मंच मिल सके डांस करने के लिए, उनके अंदर छुपी प्रतिभा बाहर निकल कर आए, जिससे वो अच्छा प्रदर्शन करें। ये जानकारी देव राजपूत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस दौरान कुसुम मिड्डा, डॉक्टर अशोक कुशवाहा, ज्योति डावर, कल्पना सोनी, प्रीति माही, नैन्सी ठाकुर आदि मौजूद रहे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल 7 मई के लिए रखी गई है, जिसमें रैपर्स डांस अकेडमी द्वारा स्लम स्टार टैलेंट हंट सीजन 2 जो कि बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है आगरा में, पहली बार ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है स्लम स्टार संस्था द्वारा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जो स्लम एरियों से बच्चे रहते हैं, टैलेंट तो छुपा रहता है लेकिन निखारने वाला कोई नहीं था, पैसों की वजह से हमेशा वो उनका टैलेंट घर में ही दबा रह गया। तो आज स्लम स्टार संस्था ने उन बच्चों के अंदर जो टैलेंट देगा उसको निखार कर उनको एक मंच देने का काम कर रही है और उनको सम्मान देने का काम करेगी। ये आपकी एकेडमी के बच्चे हैं या और पूरे शहर के हैं? ये अन्य जिलों से बच्चे आ रहे हैं, जैसे कि कासगंज, दिल्ली, अम्बा, बहा, काफ़ी जगह से बच्चे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आ रहे हैं। निःशुल्क रहेगा जी? बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी बच्चे से कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे और बच्चों को साथ में अवार्ड देकर कमिश्नर साहब के हाथों से सम्मानित भी किया जाएगा। अच्छा, ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन को बच्चों को क्या लाभ मिलेगा? इस आयोजन से पहली बार तो बच्चों की जो प्रतिभा है वो लोगों के सामने निकल के आएगी, उनको पता चलेगा लोगों को कि हाँ, गाँव देहात गली बस्ती में भी टैलेंट तो है लेकिन उनको निखारने वाला कोई नहीं था। कार्यक्रम है स्लम जो एरिया के जो बच्चे हैं उनको, उनके टैलेंट को निखारने के लिए है और साथ ही साथ ये वो बच्चे हैं जो अपनी प्रतिभा को दिखाना तो चाहते हैं पर उनका कोई मंच नहीं है, तो देवराज जी एक मंच उनको दे रहे हैं और उस मंच से वो अपनी प्रतिभा को देश विदेश सब जगह दिखाएंगे। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि ऐसा काम करते रहें। धन्यवाद।